गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा लेसन चला हुआ है पिछली क्लास से, सांस सांस में बांस, सांस सांस में बांस, ये लेसन चला हुआ है। इसके लेखक थे एलेक्स एम जॉर्ज। तो एलेक्स एम जॉर्ज ने बांस के बारे में क्या क्या बताया था, काफी सारा आप लोगों ने कल पढ़ा था पिछली क्लास में, पिछले नेक्स्ट पीरियड में। तो अब आज और बाकी क्या क्या बांस के बारे में लेखक ने बताया है एम जॉर्ज ने, तो वो हम पढ़ते हैं। देखिए, जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त, या कहो आसपास के जंगलों में जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी तो जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपच्चियां तैयार की जाती हैं। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है, मसलन आसन जैसी छोटी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हरेक गठान से काटा जाता है। लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपच्चियां काट ली जाए, यानी कहाँ से काटा जाएगा यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। अब क्या बता रहे हैं एम जॉर्ज कि जुलाई से अक्टूबर का महीना कौन सा होता है, बारिश का महीना होता है। बारिश के महीने होते हैं जुलाई अगस्त आदि में ज्यादा बारिश आती है, तो अक्टूबर में तो कम ही हो जाती है फिर, तो वो समय बहुत अधिक बारिश का होता है और उस समय ये बांस हैं जो बहुत फूल पैदा होते, बहुत अच्छे हो जाते हैं और लोगों के पास उस समय खाली समय भी होता है, कोई इतना काम नहीं कर पाते बारिश के समय में, तो वो क्या करते हैं उस खाली समय में आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करते हैं। बांस इकट्ठा करने का उनके पास यह सही वक्त होता है। वे अधिकतर 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं, यानी जो बांस का पेड़ 1 से 3 साल के बीच का होता है उसको काटते हैं। वो पेड़ कैसा होता है, वो बांस कैसा होता है, वो कच्चा होता है, जैसे उसको मुड़ना चाहे वैसे वो मुड़ जाता है। 3 साल तक के बांस कच्चे होते हैं कि जैसे उनको मोड़ना चाहे मुड़ जाते हैं, और उससे 3 साल से ऊपर के बांस बूढ़े बांस कहलाते हैं। वे कैसे होते हैं, वे सख्त होते हैं, बहुत कठोर होते हैं, यदि उनको हम मोड़ना चाहें तो वे मोड़ते हुए टूट जाते हैं। कोई भी टहनी लगा लो, सूखी लकड़ी लगा लो, सूखी लकड़ी को यदि हम मोड़ते हैं तो वो टूट जाती है, और पेड़ से कच्ची टहनी को हम तोड़ते हैं तो उसको जैसे मर्जी मोड़ सकते हैं, वो नहीं आसानी से नहीं टूटती। तो ऐसे ही बांस का भी है, 3 साल तक की आयु वाले बांस बहुत ही नाजुक होते हैं, उनको जैसे चाहे हम मोड़ सकते हैं, जो मन करे हम वो उससे बना सकते हैं। लेकिन जो सख्त बांस होते हैं, 3 साल से ऊपर की आयु वाले बांस होते हैं, वे कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, और यदि हम उनसे कुछ बनाना चाहे तो वे टूट भी सकते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर देते हैं। बांस पर शाखाएं होती हैं, टहनियां भी होती हैं और पत्ते भी होते हैं, तो उन शाखाओं और पत्तों को हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, उसे छील कर अलग कर देते हैं, किसी चीज से, चाकू आदि से, दाव आदि से अलग कर देते हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिसकी क्या होती है, गांठे दूर दूर होती हैं। बांसों में क्या होते हैं, जैसे गन्ने में पोरी होती है ना कुछ दूरी पर, ऐसे ही बांस में होती है कुछ दूरी पर गांठे होती है, पोरी टाइप होती है, तो उनको किसी चाकू या दाव आप लोगों ने गांव में तो देखे ही होंगे जिससे लकड़ियां आदि काटते हैं, तो चांद जैसी आकार का एक वो होता है, ये
हथियार जिससे उनको बांसों को छीलकर खपच्चियां तैयार की जाती हैं, यानी छोटी छोटी पट्टियां, छोटी छोटी पट्टियां से इसमें से काट दी जाती हैं और उनकी लंबाई पहले ही तय कर ली जाती है कि हमने कितनी लंबाई तक इसको काटना है। मसलन आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए कोई छोटी चीज हमने यदि बनानी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बांस को हर एक गठान से काट देते हैं। मतलब जो बांस में जगह जगह गांठे, एक एक पोरी जितना हम उसको काट लेते हैं, जो छोटी चीजें बनानी है। तो यदि उससे थोड़ी बड़ी बनानी है तो चार गांठों वाली लंबाई के अनुसार हम उसको बांस को काट लेते हैं। जितनी हमें लंबाई की आवश्यकता होती है उसी के अनुसार बांस की गांठों को, पत्तियों को, शाखाओं को अलग करके लंबाई के अनुसार ही हम उनको काट लेते हैं और जिस चीज में हमें उनकी जरूरत होती है वहां उसका प्रयोग कर लेते हैं। जो चीज हमें बनानी होती है उसको हम फिर उससे बना लेते हैं। किससे? जो दाव आदि से, चाकू आदि से छोटी छोटी पतली पतली खपच्चियां काटते हैं, यानी फटियां सी हम उसमें से काटते हैं, उससे जिस चीज को भी हमें बनाना होता है उसको हम बना लेते हैं। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज्यादा नहीं होती है। चौड़ी खपच्चियां किसी काम की नहीं होती, इन्हें चीर कर पतली खपच्चियां बनाई जाती हैं। पतली खपच्चियां लचीली होती हैं। खपच्चियां चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं है। इस हुनर को पाने में काफी समय लगता है। अब क्या कह रहे हैं लेखक, आमतौर पर क्या होता है, खपच्चियों की चौड़ाई जो हम रखते हैं, हमें रखनी होती, कितनी रखनी होती है, 1 इंच तक, इससे ज्यादा नहीं रखनी होती, वो ज्यादा मोटी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। तो वो चौड़ी खपच्चियां जो होती हैं वो जब हम कुछ भी बनाते हैं तो उसमें काम नहीं आ पाती, और इनको चीर कर क्या किया जाता है, पतला बनाया जाता है, इन खपच्चियों को पतला बनाया जाता है। और वे पतली खपच्चियां जो होती हैं वे फिर थोड़ी लचीली होती हैं, उनको हम कुछ चीज बनाते हैं तो उनसे वो चीज बन जाती है। जो चौड़ी होगी खपच्ची तो वो टूट जाएगी, पतले वाली जो खपच्ची होगी वो लचीली होगी और जिस चीज में हम उसका प्रयोग करना चाहेंगे वहां आसानी से उसका प्रयोग हो जाएगा। और जो खपच्चियां चीरते हैं उनके चीरने के लिए किसी माहिर व्यक्ति की आवश्यकता होती है, उस्ताद व्यक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि पतली खपच्चियां चीरना आसान काम नहीं है। पतली खपच्चियां कोई चीरने लगेगा तो टेढ़ी मेढ़ी होके कहीं मोटी, कहीं पतली, कहीं किनारे पर चली जाएगी, वो बांस भी खराब हो जाता है। तो इन खपच्चियों को चीरते हुए किसी हुनर वाले व्यक्ति को ये काम करना होता है। हाथों की यदि उसके अंदर कलाकारी नहीं होगी तो खपच्चियों की मोटाई बराबर नहीं रह सकती। जैसे अभी मैंने बताया था, ऊपर से यदि हम काटने लगेंगे, कुछ भी यदि हम काटते हैं तो यदि हमें उसकी इतनी नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो काटते आएंगे तो कभी ऊपर से काटते काटते इधर की तरफ कटना शुरू हो जाएगा, कभी उधर की तरफ। जो ऊपर से काटते आ रहे हैं वो बराबर नहीं कट पाएगा, कहीं चौड़ा होगा, कहीं बीड़ा होगा। तो इस हुनर को पाने के लिए भी काफी समय व्यक्ति को लगता है। धीरे धीरे करते करते काफी, तो पहले वो खराब कर देता है, धीरे धीरे करते 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 उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है और वह फिर सीधा जितनी मोटाई के अनुसार उसको बांस काटना होता है तब वह काटने लग जाता है। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ फिर दाव काम आता है। खपच्ची बाएं हाथ में और दाव दाएं हाथ में। दाव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रखता है। खपच्ची को दबाए रखता है जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा
दांव को अंदर की ओर दबाता है और दांव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती, यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। इसके लिए ज्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। अब क्या बताएं, इसमें हमने खपच्चियां तो काट ली, 1 इंच की मोटाई की खपच्चियां हमने काट ली हैं। ज्यादा मोटी काटेंगे तो वो टूट जाएंगी और 1 इंच तक काटेंगे तो उससे काम हमारा हो जाएगा। तो टोकरी यदि हम बनाए, खपच्चियां काट लें, तो उसके बाद क्या होता है, जो खपच्चियां हमने काटी हैं उनको हमें चिकना बनाना होता है। वो किसके साथ बनाते हैं? दाव के साथ, जिसको आप, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले भी, गांव में तो दाव आदि भी बोल देते हैं कि दाव से जैसे पेड़ की कटिंग करते हैं, पेड़ों को झांकते हैं, खेतों में किसी के घरों में पेड़ है तो उसको झांकते हैं या छटाई करते हैं, वहां पर उसका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे ही उस खपच्ची को बाएं हाथ से पकड़ा जाता है और दाएं हाथ से दाव को पकड़ा जाता है और वह तेज धार वाला होता है जिस साइड से हम उसको काटते हैं दाव से। तो उस तेज धार वाले हथियार से क्या करते हैं, हम खपच्ची को बाएं हाथ से पकड़कर दाएं हाथ से उसको ऊपर नीचे रगड़ते रहते हैं कि जहां कोई भी ऊंचा नीचा सिरा है वह एकदम बराबर हो जाए, चिकना हो जाए। क्योंकि बांस की कोई भी यदि किनारी निकली हुई होती है तो किसी व्यक्ति को काम करते हुए फिर उसको जब हम यूज करते हैं बनी हुई चीज को, तो हमारे हाथों में, पाँव में, कहीं भी लग सकती है और बहुत ही तेज होती है वो, पैनी होती है बांस की किनारी, उससे हमारा हाथ कट भी सकता है, काफी चोट लग सकती है। तो इसीलिए उन खपच्चियों को काट करके उनको बाएं हाथ से पकड़कर दाहिने हाथ से उस दाव को ऊपर से नीचे तक उसकी क्या करते हैं, खींच कर ऊपर नीचे करके दबा करके उसको, उस खपच्ची को चिकना कर देते हैं। दाया हाथ दबाव डालता है उस दाव के ऊपर और दबाव डालकर ही उसको ऊपर से नीचे घिसते हुए चिकना करते हैं। जब तक खपच्ची चिकनी नहीं हो जाती, बार बार इस कार्य को किया जाता है कि उस दाव को ऊपर से नीचे तक घिसा जाता है कि यह खपच्ची जब तक चिकनी नहीं होती उसको इसी प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद क्या होता है, खपच्चियों की रंगाई की जाती है। कैसे? इसके लिए ज्यादातर गुड़हल और इमली की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? रंगाई के लिए। किसका प्रयोग किया जाता है? गुड़हल और इमली की पत्तियों का। और यदि काला रंग हमने करना है तो काले रंग के लिए हम क्या करते हैं, आम की छाल, आम की जो पेड़ की छाल होती है उसमें कुछ दिन तक इनको, बांस की खपच्चियों को लपेटकर मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। इसको खपच्चियों को काले रंग का बनाने के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटते हैं और लपेट करके कुछ दिनों के लिए क्या करते हैं, उसको मिट्टी में दबाकर रखते हैं। उसके बाद जब उसे निकालते हैं तो फिर वो कैसे रंग के हुए मिलते हैं, काले रंग के। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता, फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिजाइन बनता है, पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह। अब ये ऊपर चित्र दिखाया गया है, इसमें ये औरत बांस की बुनाई कर रही है। तो ये क्या कर रही है, बांस की बुनाई करते हुए इन खपच्चियों को, खपच्चियों का ताना बुनती है। चित्र में जैसे दिखा रखा है खपच्चियों में ताना बुनती है और ताने के अनुसार, ताना बाना जो बुनती है तो ताने बाने के अनुसार ही उसे
लगाती है और लगाने के बाद पहले सारा ताना बुनती है। ताना बुनने के आड़ा तिरछा इन खपच्चियों को रखती है। आड़ा तिरछा रखने के बाद फिर ऊपर नीचे इनके करती हैं, जिससे क्या होता है चेक जैसा डिजाइन बन जाता है और पलंग की निवार जैसी बुनाई हो जाती है। पलंग की निवार जैसी बुनाई हो जाती। आपने घर में पलंग बनाते हुए देखा होगा, जैसे फोल्डिंग वगैरह होते हैं उसमें निवार भरी जाती है, वो आपने देखी होगी। तो उसके अंदर भी इसी प्रकार से पट्टियां डाली जाती हैं, जिस प्रकार से इन खपच्चियों की कोई टोकरी आदि कुछ भी बनाया जाता है। एक बार ऐसे ताना भून के क्या करते, एक पट्टी को नीचे उठा लेते, अगली के ऊपर से ले जाते, फिर अगली को नीचे दबा देते थे, उससे अगली को ऊपर उठा लेते हैं। एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर करके ये आपस में क्या हो जाती हैं, पूरी तरह से जकड़ी जाती हैं। पूरी तरह से क्या होती हैं, ये जकड़ी जाती हैं और जकड़ करके एक डिजाइन बन जाता है। टू इल बुनना हो तो हर एक बाना दो या तीन तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। टू इल बनना हो तो क्या होता है, हर एक बाना बना दो और या तीन तानों के ऊपर और एक नीचे से जाता है। इसमें भी क्या किया जाता है, डिजाइन बनाया जाता है, या तीन के अंतर पर कर लो या एक एक के अंतर पर कर लो। इसमें दबाने, एक दबाना है, दो दबाने हैं या तीन दबाने हैं, उन दबाने के अनुसार ही इनके डिजाइन में भी अंतर आ जाता है। एक एक करके दबा ले, एक दबा ले, एक को ऊपर कर ले, फिर अगला दबा ले, फिर ऊपर कर ले। एक के द्वारा हम इस प्रकार बनाएंगे तो डिजाइन अलग बनेगा, दो के अनुसार बनाएंगे तो डिजाइन अलग बनेगा, और तीसरे के, तीन के अनुसार हम दबाएंगे तो डिजाइन अलग बनेगा। तीन को दबा दे, एक को बाहर रख दे तो उससे डिजाइन अलग बनेगा, और यदि तीन दबाकर तीन ऊपर करके हम उस प्रकार से बनाएंगे तो डिजाइन अलग बनेगा। तो इस प्रकार से इसके कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। अब क्या किया जाता है, टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो छोटी की तरह गूंथ दिया जाता है। टोकरी का जो सिरा होता है, किनारा होता है नीचे बाद वाला पीछे से, या तो हम उसको छोटी की तरह गूंथ देते हैं या फिर हम क्या करते हैं, जो सिर कटे हुए होते हैं उनको नीचे की ओर मोड़कर एक दूसरे के अंदर फंसा देते हैं, जिससे वह एक टोकरी बनकर तैयार हो जाती है। चाहे फिर हम उसका घर में प्रयोग करें या बाहर बेचें। तो इस प्रकार से इसमें डिजाइन के द्वारा ही टोकरी के अंदर खपच्चियों को डाला जाता है और डिजाइन बनाया जाता है, और अंत में इसको किनारे से जाकर के छोटी की तरह गूंथ देते हैं या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मुड़कर उनको फंसा देते हैं, जिससे क्या होता है टोकरी बनकर तैयार हो जाती है। फिर चाहे हम उसका कुछ भी करें, कुछ लोग तो क्या करते हैं ऐसे बना बनाकर बाजार में बेचते हैं, जिससे उनके रोजगार का धंधा भी हो जाता है, दो पैसे भी वो कमाने लग जाते हैं, या अपने घर में प्रयोग करना है तो घर में कर लेते हैं। कुछ ऐसे ही डिजाइन से ताना बाना बुनकर कपड़े भी इसी प्रकार बनाए जाते हैं, दरियां भी इसी प्रकार से बनाई जाती है, उनमें इसी प्रकार से ताना बाना बुना जाता है, और डिजाइन करनी हो तो अलग रंग के उसमें बीच बीच में धागे डाल दिए जाते हैं, जिससे कि रंगीन अलग अलग कलर की दरी बनाई जाए, या सफेद दरी के अंदर बीच में अलग रंग का डिजाइन बनाया जाए, तो वो डिजाइन भी किस प्रकार से बनेगा, अलग अलग रंग के बीच बीच में धागे बनाने, धागे डालने से बुनाई करते हुए ताना बाना कसते हुए। ठीक है, अब बांस के बारे में इस पाठ में हमने पढ़ा है तो आपको समझ आ गया होगा कि बांस को किस प्रकार से काटा जाता है, कहाँ पर ये ज्यादा मिलता है,
उत्तर पूर्वी राज्य में अधिक मिलता है और वहां से लोग इनको, वहां पर उगता है, वहां से लोग इनको काट के लाते हैं। और बहुत जगह असम आदि जगह, जैसे कल बताया था कि इसके टोपियां भी बनती हैं, और काफी सारे सजावट का सामान, गाड़ियां, फर्नीचर आदि, मकान, फूल, खिलौने, कुछ भी, इतनी सारी चीजें बनती हैं। और आज की क्लास में था हमारा कि अक्टूबर से नवंबर तक बारिश के दिनों में लोगों को जब कम काम होता है तो वे लोग ये बांस काट कर लाते हैं। और कितने आयु वाले बांस ज्यादा पसंद करते हैं वे? 1 से 3 आयु वाले, क्योंकि वो लचीले होते हैं। जैसे उनको मोड़ना चाहे, छोटी टोकरी भी बनाना चाहे, टोपी बनाना चाहे, तो वह इस छोटे आयु वाले बांस से ही बनती है। बड़े आयु वाले जो बांस होते हैं वे टूट जाते हैं। इनको ला करके शाखाएं पत्तियां अलग करके इनको चिकना किया जाता है, गांठें दूर की जाती है, लंबाई के अनुसार इनको काटा जाता है। और फिर काटने के बाद छोटी 1 इंच जितनी खपच्चियां अलग अलग की जाती हैं, और खपच्चियों को अलग करने के बाद दाव के साथ इनको चिकना किया जाता है। फिर ताना बाना बुना जाता है। ताना बाना बुन के उनको टोकरियां आदि कुछ भी जो सामान बनाना होता है उसमें परिवर्तित करते हैं। चेक का डिजाइन बनाए, चाहे कैसा भी डिजाइन बना करके उनका घर में प्रयोग करें या उनको बेचकर अपना पैसा कमाएं। तो ये सारा बांस के बारे में इस पार्ट में लेक्स एम जॉर्ज ने आपको बताया है। तो ये लेसन आपका हो गया कंप्लीट। कल आप इसके, आज आपके पास पीडीएफ आ जाएगी, आपने इस लेसन को राइट भी करना है फिर नोटबुक में, और इसको लर्न भी करना है। जितना भी चैप्टर आज हुआ है उसके इंटरनल क्वेश्चन आंसर भी आपको बनाने हैं। कल वाले तो आपने बना ही लिए होंगे, आज वाले भी आपको बनाने हैं और साथ साथ याद करने हैं। तो लेसन हो गया कंप्लीट। जितना भी लेसन आप पढ़ा है इसी में से आपसे मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगी, तो आपको इनके आंसर मुझे देने होंगे। हैंड रेज कर लेना जिस बच्चे को भी आंसर आए। ओके, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सुनना दीक्षा मैम, हाँ जी मैम, बच्चों को अनम्यूट कर दो और रिकॉर्डिंग बंद कर दो।